जी हिंदू दोस्तों, क्वेश्चन में है टाइम टेकन बाय पाइप पी एंड क्यू टू फिल अप द टैंक इज 60/7 मिनट्स एंड टाइम टेकन टू फिल द होल टैंक व्हेन ऑल थ्री, यहाँ पे ऑयल थ्री हो गया है, एक्चुअली ऑल थ्री होगा। ओके एक मिनट, यहाँ पे ऑल थ्री होगा, ऑल ऑल थ्री दो बार हो गया है। ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन इज 300/23 मिनट्स। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप पी टू फिल अप द टैंक एंड पाइप क्यू इज 3:4। ओके पी और क्यू का जो रेशियो ऑफ टाइम है टू फिल अप द टैंक इज 3:4। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर टू फिल अप द टैंक। आर इज ए ड्रेन पाइप। ओके सो आर एक खाली करने वाला पाइप है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पी प्लस क्यू का कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर टाइम ले लेते हैं 60, एक मिनट, पी प्लस क्यू का लग रहा है 60/7। तो एफिशिएंसी का हम देखेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर का यहाँ पे दिया हुआ है 300/23। तो 60 और 300 का अगर हम एलसीएम देखेंगे, यानी कि टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 300। ओके तो 300 का यहाँ पे होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पी और क्यू का एफिशिएंसी हो जाएगा मेरा 35। और यहाँ पे 300 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का 23 हो गया, तो आर के कितना हो जाएगा, आर का हो जाएगा माइनस में 12, यानी कि आर का जो खाली करने का एफिशिएंसी है वो -12 है। ओके अब दूसरा बोला है पी और क्यू का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइम का रेशियो है ना, टाइम का रेशियो 3:4 है, तो पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। ओके और इन दोनों का एफिशिएंसी कितना दिया है मेरा, 35। तो पी का एफिशिएंसी हो जाएगा 20 और क्यू का एफिशिएंसी हो जाएगा 15। अब क्यू और आर का टाइम निकालने के लिए बोला है, क्यू और आर, क्यू का है 15 और आर का है माइनस में 12, तो क्यू और आर का दोनों का मिलके एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो। ओके तो टोटल कैपेसिटी मेरा 300 है, यानी कि एलसीएम, और 3 एक मिनट में वो लोग करेंगे एफिशिएंसी, एक मिनट का एफिशिएंसी, तो कितना मिनट टाइम लग जाएगा, 100 मिनट्स। सो दैट इज आवर आंसर, थैंक यू सो मच। और ऐसे जितने भी हार्ड हार्ड मैथ्स होते हैं ना, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहता हूँ ऐसे सिंगल सिंगल वीडियोज में। ओके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे हार्ड हार्ड जो मैथ है उसका सोल्यूशन आपको मिलता रहे, और साथ ही में आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।